स्वागत है। मैं हूं विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। केवटी थाना क्षेत्र के गटली गांव के कदम पोखर में रविवार के देर रात बैटरी चोरी कर भाग रहे कार पानी में घुस गया। कार सवार दो लोग लापता है जबकि ड्राइवर तैर कर बाहर निकल गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केवटी थाना क्षेत्र के नरौना गाँव बीती रात सोलर बैटरी चोर गिरोह के तीन सदस्य की चोरी करते हुए ग्रामीणों ने देख लिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई और पुलिस को आते ही देख सोलर बैटरी चोर गिरोह के तीनों सदस्य मारुति वैन में बैठकर भागने लगे। पुलिस ने भी चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया और पुलिस को अपने पीछे आते देख मुख्य सड़क NH 105 छोड़कर गुठली गांव की ओर वाला रास्ता को चोरों ने पकड़ लिया। पुलिस को चकमा देकर तेजी से भागने के चक्कर में मारुति वैन के चालक अपना संतुलन खो दिया और एक पेड़ से टकराते हुए तालाब में जा गिरा, जिसमें एक चोर को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा तथा तीसरे चोर का शव ने तालाब से बरामद कर लिया है। सूत्रों की माने तो ये चोर बीती रात कुल 12 जगहों पर बैटरी खोले थे और 13वीं जगह पर बैटरी चुराते लोगों ने देख लिया। सोमवार की अहले सुबह JCB की मदद से गाड़ी को तालाब से निकाला जा रहा है। वहीं उसके गाड़ी के आधा दर्जन सोलर लाइट की बैटरी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है और अपने आला अधिकारी की इंतजार में है। ननौरा से बैटरी चोरी करके निकल रहा था NH से, तो पुलिस ने उसको पीछा किया। पुलिस के पीछे यानी पीछे के डर से वो NH छोड़ के ग्रामीण के तरफ भागा और उन्होंने ग्रामीण में आने के दरमियान एक पोखरी के किनारे वो पेड़ से टकराया और पोखरी के अंदर मारुति वाहन चला गया और वहीं ग्रामीण के सहयोग से एक आदमी को अरेस्ट किया गया और पोखरी के तालाब से 6 बैटरी और ऊपर में 5 बैटरी बरामद हुई। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। MKP विद्यापति उच्च विद्यालय के नव निर्मित तोरण द्वार का उद्घाटन पूर्व मंत्री मदन मोहन झा ने किया। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सोमवार को बिहार के पूर्व राजस्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा ने MKP विद्यापति स्कूल के नव निर्मित द्वार का उद्घाटन किया। द्वार के निर्माण हेतु पूर्व मंत्री डॉक्टर झा ने अपने ऐच्छिक कोष से राशि उपलब्ध कराया था। सोमवार को पूर्व मंत्री मदन मोहन झा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ विद्यापति स्कूल आए थे, जहां छात्राओं ने स्वागत गान पेश किया। विदित हो कि महागठबंधन में मंत्री रहे मदन मोहन झा का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लगाव रहा और वे विद्यालयों के उन्नयन को लेकर सदैव तत्पर रहे। पहले लगता है जब 8-9 महीना पहले हम आए थे स्कूल में, क्या जी उसी समय यहाँ के जितने प्रचार सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा था इसमें गेट की बहुत आवश्यकता है, उसी समय कह के गए थे। उसके लिए हमने यहाँ यहाँ के लोगों को कठिनाई को देखते हुए अपने इच्छित कोष से गेट का निर्माण कराया, जिससे कि यहाँ शिक्षक हों, छात्र हों, छात्राएँ हों, सब सुरक्षित रह सकें एक प्रोटेक्शन के हिसाब से।
सर रेगिंग में संवेदक द्वारा जो है ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई है, गेट का सही निर्माण नहीं किया गया सर। तो हमको जानकारी नहीं है अभी, उसके लिए तो प्रिंसिपल साहब हैं या टीचर लोग हैं, वो कोई बताएंगे तो होना पर सुधार करने की कोई आवश्यकता होगी और संभव होगा तो सुधार किया जाएगा, लेकिन हमको कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली। सर से रिक्वेस्ट किए थे कि विद्यालय गेट ही न है, इसीलिए एक गेट की व्यवस्था कर दिया जाए, तो हमारे माननीय उपमंत्री जी पूर्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपको गेट लगवा देंगे और उन्होंने गेट लगवा दिया। जहाँ तक गेट के कंप्लीट होने का सवाल नहीं है, तो मैंने ठेकेदार का रोक दिया था, वर्क गेट हटवा दिया था और वो वादा किया था कि हम इसको मरम्मत कर देंगे समय पर, लेकिन अभी तक उन्होंने दुरुस्त नहीं किया है, लेकिन वादा किया है कि जो त्रुटि होगी हम कर देंगे, हम भी जाके देख लेंगे क्या है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर में वितरण प्रणाली के डीलर राम कुमार मिश्र की पत्नी मनोरमा देवी की लाश उनके ही घर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए एक रिपोर्ट में। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में जन वितरण प्रणाली के डीलर राम कुमार मिश्र की पत्नी मनोरमा देवी की लाश अपने ही घर से मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार की सुबह लड़की पक्ष के परिवार वालों की ओर से डीएसपी दिलनवाज अहमद को फोन आया और बताया गया कि खराजपुर में महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जबकि जांच अभी जारी है। इधर परिवार वालों ने बताया है कि डीलर राम कुमार मिश्र की पत्नी मनोरमा देवी की मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका इलाज चल रहा था। डीलर स्वयं अनाज उठाने के लिए गोदाम गए हुए थे, इस बीच उनकी पत्नी मनोरमा देवी की घर में ही पैर फिसल जाने से मौत हो गई। पुलिस अब भी लड़की पक्ष के लोगों के आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि असल में मामला हत्या या फिर आत्महत्या का है। कल पर से आ रही थी, हम घर में गई, सीधे मेरे नाम लेके गिर गई, तो हम और मेरी बहन उठा के ऐसे ही करके उठा के अपना पर धर दी। लोग बता रहे हैं कि आपके पिताजी के द्वारा उनकी पिटाई की गई जी। नहीं, मेरी मम्मी हल्ला करती थी तब मेरे पापा मारते, वैसे नहीं मारते थे, पिटाई करते थे। हाँ, वैसे क्यों करेंगे, मेरी मम्मी बहुत हल्ला करती थी। आज क्या घटना घटी है तो बताओ। आज कुछ नहीं घटना, अपने मुँह बुखार लगा था समझे, कॉल पर सा है आपकी माँ का दिमागी। हाँ पागल है, रखिया क्या क्या बोलती पता नहीं, डॉक्टर भी बोले पागल है, डॉक्टर को तामा चढ़ के हटाओ तो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं दवाई देते हैं भात में मिलाते वो भी नहीं खाती। कितने दिनों से उनका मानसिक स्थिति खराब था? बहुत दिन से। क्या नाम हुआ? मनोरमा मिश्रा। मनोरमा आपका क्या नाम? मेरा प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी बस गया, इतना ही काम है इसको। डॉक्टर यहाँ कहते थे चलने दिखलाने के लिए भी, दिखलाने के लिए नहीं गई। छोटका मेरा बचवा 3 साल का है, उसमें अभी मेंटली डिस्टर्ब थी, हम कहें कि बच्चा अभी नहीं लेंगे तो नहीं, मेरे पास हमको बच्चा ही नहीं है, हमको बच्चा ही नहीं है। लास्ट में 9वां महीना में हुआ, तब पर भी कहती थी बच्चा नहीं है, लास्ट में घर पर हुआ, हम कहनाओ करके ऐसा स्टेप हो गया था कि मरने का नौबत ऐसा हो गया, लेकिन उसको हम जिला दिया सर, कैसा होता उसके चलते बच्चा को भी देखभाल नहीं किया, जो बच्चा विकलांग हो गया, मेरा बच्चा विकलांग हो गया, इसको कोई कुछ नहीं करता था, क्या न खाती न फिर भर दी, भोर से सुबह से लेकर रात तक अपना खाली हल्ला करती थी। वहाँ से मेरे बच्चिया फ़ोन की कि पापा ऐसे ऐसे हो गया है। यहाँ आए तो आपने क्या देखा? यहाँ आए तो सब आदमी कहा कि नहीं ये कुछ नहीं बोलती है, तो हम गए, हम ओपी डॉक्टर ओपी आनंद को बुला के लाए, ओपी आनंद देखे कहें कि नहीं एक्सपायर, उसे चोट का भी निशान कहीं कहीं पर नहीं। वो तो इतना हल्ला करती थी ना, जहाँ कूदती रात को कूदती थी, वहाँ जाती थी, वहाँ इसको मारती थी, या बचवा है बचवा से पूछिए, जो अपना इच्छा होता था वो फोड़ लेती थी, उखाड़ लेती थी, ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, जहाँ मन होता था वहाँ करती थी। क्या नाम हो गया आपका? राम कुमार मिश्रा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। साप्ताहिक
समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। लंबित योजना एवं जन शिकायत एवं आपूर्ति से संबंधित मामलों को लेकर अंचलाधिकारी एवं अनुमंडलाधिकारी को विशेष निर्देश दिए। सोमवार को दरभंगा जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दरभंगा के DDC कारी प्रसाद महतो, DRDA निदेशक नरेंद्र झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुधन कामती, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुमन कुमार, दरभंगा सदर के SDO गजेंद्र सिंह, बेनीपुर अनुमंडल के SDO अमित कुमार, बिरौल के SDO मोहम्मद शफीक, विशेष कार्य पदाधिकारी रविंद्र कुमार दिवाकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार समेत सभी अंचल के अंचलाधिकारी तथा संबंधित विभागों के अभियंता उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने लोक सूचना अधिकार, जन शिकायत तथा आपूर्ति से संबंधित मामलों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गणित के ट्यूशन पढ़ने जा रहे 3 छात्रों को अज्ञात अपराधियों ने नाका नंबर 5 के पास चाकू से हमला कर दिया, जिसका इलाज DMCH में चल रहा है। ट्यूशन जा रहे थे तो उधर से 2 आदमी मोटरसाइकिल से आके जेबी में पॉकेट डाल रहा था, तो हम बचाए तो चाकू भोंक दिया। कौन आदमी था पहचान? नहीं पहचान। कहाँ से आप आ रहे थे? हम घर से ट्यूशन जा रहे थे। कौन ट्यूशन जा रहे थे? ये मैथ का ट्यूशन। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कॉलेज में। कौन से कॉलेज? MLSM कॉलेज। क्या नाम हुआ आपका? शिवम। पूरा नाम? शिवम श्रीवास्तव। दरभंगा पुलिस ने संदेह के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया। चाकू, मोबाइल के अलावा 6 सिम समेत 500 रुपए भी बरामद हुए। रविवार को देर रात गए दरभंगा पुलिस ने नाका नंबर 5 के निकट संदेहास्पद स्थिति में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक चाकू, 2 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड तथा 500 रुपए बरामद हुआ है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका नाम धीरज कुमार, पिता का नाम अशोक कुमार महतो तथा गांधीनगर कटरैया का निवासी है। बहरहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है, विस्तृत जानकारी भी इकट्ठा इसके लिए कर रही है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। रात्रि गश्ती के दौरान कोतवालियों की पुलिस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8 सिम कार्ड, चाकू और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके पास से एक FIR की प्रति भी मिली है कि अभी जैसा बता रहा है या जिस तरह की सूचना मिली है कि ये लूटपाट करता है, अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है। सर, आज सुबह भी सर लगातार चाकूबाजी हुई है शहर में? सर नहीं, उसी क्रम में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, उसी में एक की गिरफ्तारी हुई है, अभी इसकी छानबीन की जा रही है। इसकी सर आपराधिक इतिहास कुछ है क्या? अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, गिरफ्तारी हुई है, इसके पूरे इसके सत्यापन किया जा रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बहादुरपुर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था को चरमराते देख प्रमुख अमीर कला देवी ने BDO अविनाश कुमार को प्रखंड के शिक्षकों के अस्थान के निर्देश दिए। इन दिनों बहादुरपुर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। आए दिन शिक्षकों व स्कूल के प्राचार्यों की लापरवाही की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख अमीर कला देवी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अविनाश कुमार को निर्देश दिया है कि प्रखंड में आने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए, ताकि सरकार की ओर से चलाई जा रही शिक्षा नीति में बेहतर पहल किया जा सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट।
बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख कला देवी। सरकार के गुणवत्ता शिक्षका को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रखंड के अनेक विद्यालयों के में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह स्थानांतरण आवश्यक है। धन्यवाद। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। समान काम समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों के समर्थन में पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा ने बयान दिया है। डॉक्टर झा ने बताया कि समान काम के लिए समान वेतन की मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं हो सका है। रूप से हम लोग इस पक्ष में हैं जो समान काम के बदले समान पे मिलना चाहिए, और उस समय जिस कारण से भी वह नहीं हो सका, लेकिन अब तो हाईकोर्ट का डिसीजन है और उसके खिलाफ मैंने सरकार से अनुरोध भी किया है। इस डिसीजन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार डिसीजन ले चुकी है, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहाँ भी हम दिल्ली में भी थे, यहाँ के सारे नेता जो हैं शिक्षक प्रतिनिधि लोग, वहाँ भी मेरे शत्रुघ्न बाबू से केदार बाबू से सबसे बातचीत हुई, वहाँ वकील भी थे। ये होना ही है, करना पड़ेगा। सरकार अगर बहुत विरोध करेगी तो टाइम डिले कर सकती है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में भी एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है समान काम के बदले समान वेतन। मैं समझता हूँ उसी कोर्ट करके अगर यहाँ के लोग उसको पॉइंट आउट करेंगे होगा ही, तो हम समझते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हम आज भी सरकार से आग्रह करना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, और जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो यहाँ के शिक्षकों के हित में और छात्रों के हित में भी, गुणवत्ता शिक्षा के लिए शिक्षक को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए मैं आज सरकार से आग्रह करता हूँ जो डिसीजन है उसको हूबहू लागू करें। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है समान काम पर समान वेतन लागू करने के लिए। डेडलाइन है 31 जनवरी, उसके बाद हम लोग जो भी प्रक्रिया होगी, हमारा संगठन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, उस पर में हम लोग की कल बैठक हुई है, विभिन्न तरह की चर्चा हुई, उसमें आज संभावना है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील में जाएगी। ठीक है, हम लोग भी उसके पीछे कैबिनेट दाखिल कर चुके हैं, और फिर यदि उच्चतम न्यायालय में उन्होंने आज उनका केस फाइल हो जाता है तो कल से हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा पे खटखटाएंगे। साथ ही सरकार ने ही अपने सदन में इस वक्तव्य दिया था, माननीय शिक्षा मंत्री उस समय इससे पूर्व उन्होंने कहा था कि अभी मामला उच्च न्यायालय में है, इसलिए अभी इसको लागू नहीं किया जा सकता है। सदन में विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने इस प्रश्न को उठाया था, उन्होंने कहा कि यह मामला लंबित है न्यायालय में, इसलिए अभी हम इसे नहीं लागू कर सकते। आज हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर कृष्ण मेमोरियल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि शिक्षकों को हमारे बारे में चिंता नहीं करना है, और वो बता पर्चे देंगे उच्चतम न्यायालय में जाकर मैं कितना चिंता करता हूँ शिक्षकों के बारे में। वो उनसे प्रतीत हो जाता है कि कैसे धोखेबाज आदमी है, कि आज कुछ ही दिन पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने 5 सितंबर को बोले थे कि शिक्षकों को चिंता नहीं करना है, सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिनकी आवश्यकता है उनको, उसके लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे संगठन के जो हमारे नेता हैं शत्रुघ्न बाबू और केदार बाबू, वो भी कैबिनेट डायर कर दिए हैं। हम लोग हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, वही है डू एंड डाई, करो या मरो। बिहार छोड़ो आंदोलन ने हाईकोर्ट का आदेश को लागू करो, डू एंड डाई। स्टेट बैंक की डीएमसी शाखा से संबंधित एटीएम मशीन का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक सुधाकर देव तथा महाप्रबंधक विजय सिंह नेगी उपस्थित थे। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एटीएम तथा कैश डिपॉजिट मशीन की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में हॉस्पिटल रोड में स्थित बैंक की मेडिकल शाखा की ओर से सोमवार को एटीएम मशीन तथा कैश डिपॉजिट मशीन लगाया गया है, जिससे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, छात्र, अस्पताल के नर्स तथा रोगियों के परिजनों को काफ़ी सहूलियत होगी। अब इन्हें पैसे के जमा और निकासी के लिए बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
विदित हो कि एटीएम तथा सीडीएम मशीन के विधिवत उद्घाटन के मौके पर स्टेट बैंक के महाप्रबंधक विजय सिंह नेगी, क्षेत्रीय प्रबंधक सुबोध कुमार देव, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आर के सिन्हा तथा अन्य बैंक कर्मी भी मौजूद थे। पहले से यहीं पे वर्तमान मतलब था, यहाँ पे ये काम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ है कि ये इसकी जो लोकेशन थी, तो ये लोकेशन एक गली में थी जहाँ पे कि पार्किंग की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब का जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज की ओर से भी उनका भी इनकी भी रिक्वेस्ट थी कि लोकेशन बेटर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे स्थान हमें प्राप्त हुआ है और हमने इसको यहाँ पे जहाँ देख ही रहे हैं आप, इसमें लोकेशन सही है, दिखता है दूर से, रोशनी वाली जगह है, गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती है, तो इसमें सुविधा अधिक होगी। तो आशा करते हैं कि ये जो है आने वाले दिनों में इसमें एटीएम और सीडीएम दोनों की सुविधा दी गई है। इसमें वो भी आ जाएगी दोनों, सीडीएम की अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल एटीएम की है, लेकिन अभी चलाएंगे इसमें हम कुछ और भी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि हमने अपना हमने इसमें इसमें पर्याप्त जगह रखी है, एक मशीन इसमें और लग सकती है। सीडीएम भी सीडीएम आ गया सर, अच्छा सॉरी सीडीएम आया लेकिन उसका भी चालू नहीं किया, सीडीएम लग गया है और जो सॉरी उन्होंने ढका था तभी दिखा नहीं, लेकिन लग चुका है वहाँ पे, उसको लाइव कर लेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष की रिपोर्ट। भाजपा नेत्री मीना झा के आवास पर लूटपाट एवं मारपीट के आरोपी सागर नवदीप को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजा गया, उनके साथ एमसीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन मैथिली भी दिल्ली गया है। विगत दिनों पहले भाजपा नेत्री मीना झा के घर पर लूटपाट एवं मारपीट की घटना में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था, वहीं दूसरी ओर यूनियन ने लूटपाट एवं मारपीट की घटना से इनकार करते हुए पूरे घटना को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बहरहाल इस घटना में यूनियन के कार्यकर्ता सागर नवदिया भी बुरी तरह घायल हो गए, उन्हें सोमवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के आयुर्वेदिक संस्थान भेजा गया है। विदित हो कि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आज हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि इनका इलाज अच्छे तरीके से करा जाए। 14 तारीख की रात को इनके साथ घटना घटा था, जो इनके साथ सागर नवदिया के साथ जो भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा इन पर हमला किया गया था, जिस कारण आज इनको इनको यहाँ हम लोग 10 आदमी से छोड़ने के लिए आया, जो ये दिल्ली एम्स में जाएंगे अपना इलाज करवाएंगे। अभी गरीब रथ से 1:30 बजे ट्रेन है, उन्हीं के इनको छोड़ने के लिए आए हैं। अमन सक्सेना मिथिला स्टूडेंट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सागर नवदिया पे 14 तारीख के रात बीजेपी के गुंडा तत्वों द्वारा हमला किया गया, ताकि 15 तारीख को होने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के महा कार्यकर्ता सम्मेलन सह महा कार्यकर्ता आयोजन को डिस्टर्ब किया जाए। इसी के संदर्भ में सागर नवदिया के जबड़े में चोट आई है और हाथों में चाकू से वार किया गया। उनका बेहतर इलाज दरभंगा में नहीं हो पाया, जबड़ा का चोट ताकि वो जिससे वो बोल नहीं पा रहे हैं, उसी का बेहतर इलाज करवाने के लिए आज हम लोग गरीब रथ से इनको छोड़ने आए हैं, ताकि दिल्ली में जाके एम्स में अपना ढंग से इलाज करवा सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश भारद्वाज है, मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। कतिपय मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की दरभंगा इकाई ने धरना एवं प्रदर्शन किया। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को ऑल इंडिया लोको लर्निंग स्टाफ एसोसिएशन की दरभंगा इकाई ने चिर लंबित मांगों को लेकर दरभंगा जंक्शन पर जोरदार धरना एवं प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मंडल मंत्री दया शंकर राय ने बताया कि सुरक्षा एवं संरक्षा को लेकर रनिंग कर्मचारी हर हमेशा चौकस एवं सजग रहते हैं, ताकि रेल यात्री सुरक्षित रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। इसके बावजूद उनके मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और उन्हें काफ़ी दिनों से आर्थिक रूप से सताया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान रोशन कुमार सिंह, अलीश्वर मंजूर, राशि रंजन कुमार, अरुण कुमार मिश्र तथा अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
आज का जो धरना कार्यक्रम रखा गया है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रखा गया है। चार मुख्य मांगे आज हम लोग रखे हैं, क्योंकि 7th CPC में सभी कर्मचारियों को, रेल के सभी कर्मचारियों का जो भत्ता होता है उसका निर्धारण कर दिया गया जुलाई में ही, लेकिन रनिंग कर्मियों के साथ यानी लोको पायलटों के साथ अभी तक सौतेला व्यवहार हो रहा है और इनके माइलेज का जो भत्ता का निर्धारण है वो अभी तक नहीं किया गया है। उसी मांग को लेकर के आज ये धरना का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा है कि जो हम लोग लाल सिग्नल अगर कभी गलती से, चूँकि सब दिन हम काम करते हैं, कभी थोड़ा सा अगर लाल सिग्नल हम लोग पार कर जाते हैं तो हम लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस यानी नौकरी से निकाल दी जाती है। इस व्यवस्था में हम लोग सुधार करना चाहते हैं, हम लोग ये रिव्यू कराना चाहते हैं कि जैसा नुकसान हो उस आधार से हमको पनिशमेंट दिया जाए, डायरेक्ट नौकरी से नहीं निकाली जाए, क्योंकि उस अवस्था में आकर के आदमी कहाँ जाएगा। तीसरा है कि नया आदेश लाया गया है कि सहायक लोको पायलटों को सारे इंजन का जो टूल्स होता है फिट करने के लिए यानी हथियार औजार, ये रेलवे बोर्ड कह रही है कि उसको लाद करके आपको ड्यूटी में साथ साथ ले जाना है और ले आना है। इस आदेश का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो सारे औजार, सारे हथियार जो है वो रख दिए जाए इंजन में ही, ताकि वहीं से लेकर के उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काम किया जाए। यहाँ दरभंगा डीएल लॉबी में उपस्थित लगभग 50 से 60 लोको पायलट हमारे यहाँ उपस्थित है और हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले मांग है कि हम लोग सुरक्षा और संरक्षा के पहले पैदान पर हैं और ये भारतीय रेल का इतिहास रहा। और आप एक्सीडेंट मेलवर को उठाकर देख लिया जाए तो सुबह के 2 से 4 बजे के ज़्यादा एक्सीडेंट का रिपोर्ट आया है। तो हम रेल प्रशासन के द्वारा जो सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है कि लोको पायलट से 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाए, आज वर्तमान में देखा गया है और सर्वे रिपोर्ट आया है कि 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी रेल प्रशासन ले रही है, 4th नाइट करवा रही है। अगर कोई लोको पायलट्स का विरोध कर रही है तो उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको सजा दिया जा रहा है, उसको पे इंक्रीमेंट डाउन किया जा रहा है और तरह तरह के प्रताड़ना दिया जा रहा है। आज वर्तमान में भारत सरकार RRB का रिपोर्ट है कि सारे रनिंग रूम को SU बनाया जाए, लेकिन कहीं पर किसी इस प्रकार की कोई अभी तक धरातल पर योजना नहीं आई है। अभी वर्तमान में सीतामढ़ी, खासकर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के लोको पायलट जहाँ है, जहाँ पर पानी तक नसीब नहीं है। और मैं बता सकता हूँ कि हमारे लोको पायलट सीतामढ़ी से बाहर से 2 किलोमीटर से खाना खा के आते हैं, जिसके कारण कई लोको पायलट फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। हम लोगों ने कई बार इसकी मांग किया, लेकिन प्रशासन इसके सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हमारी मूल मांग है जो रेल प्रशासन के द्वारा निर्धारण किया गया TA के अनुसार माइलेज करीब को मलेज का भत्ता का निर्धारण करना, वो अभी तक नहीं किया गया है। दूसरी है कि हमारे लोग जो रेल जो नियम बनाई है कि 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी न करने के लिए, 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए 10 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी न हो, ये सब मुद्दाएँ हैं जिसमें सुरक्षित पहचान हो, ये रेल प्रशासन द्वारा नहीं किया जाती है। और जो लोग अपना नियम मांगते हैं उनको दंडित किया जाता है, चार्जशीट दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मेरा मुख्य मांगे आज है ये, और असिस्टेंट को जो किट बैग अलाउ किया है उसमें रेल प्रशासन को ज़्यादा खर्च हो रही है, क्योंकि हमारे जितना लोको हैं उससे ज़्यादा असिस्टेंट है, तो हर असिस्टेंट को दे रहे हैं, तो मेरी मांग है हर असिस्टेंट को दे रहे हैं, उससे रेल को ज़्यादा खर्च आ रही है। तो खर्च को बचा के आप हर इंजन में शिफ्ट कर दीजिए, जैसे और भी उपकरण है, जैसे हम चार्ज देते हैं उसी तरह उनको भी किया जाए। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। DJ विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।